हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए घर में बहुत ही इजी तरीके से सीरम बनाना सिखाएंगे। खास बात यह है कि इसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत तरह के सीरम मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे होते हैं और केमिकल भरे होते हैं, जो कि आपके स्किन को बहुत ही डैमेज करता है। इसलिए हम आपको घर में ही बहुत ही इजी तरीके से सीरम बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एलोवेरा जेल, केसर और चंदन का एलोवेरा जेल है जो हम पतंजलि का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल, ग्लिसरीन, ऑरेंज ऑयल, रोज वाटर, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल। ऑरेंज ऑयल जो हम बनाए हैं, इसकी वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल लेंगे। यहाँ पे आप घर का भी एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई भी आप इसमें से एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे चंदन केसर का एलोवेरा जेल, ये भी हम हाफ टी स्पून लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे ऑलिव ऑयल, यहाँ पे हम सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेंगे, इसे हम ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एलमंड ऑयल, ये भी हम 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेंगे। कोकोनट ऑयल, ये भी हम 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेंगे। ऑरेंज ऑयल, ये भी हम 2 से 3 ही ड्रॉप्स लेंगे। बस इतना ही हमें लेना है। उसके बाद हम ले लेंगे ग्लिसरीन, ये हम हाफ टी स्पून लेंगे। रोज़ वाटर, ये हम हाफ टी स्पून लेंगे। यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल हम यूज़ किए, जिसकी स्किन बहुत ही ड्राई है वहाँ पे आप 2 कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं। बस हो गया, हमें इतना ही लेना है। इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से ये मिल चुका है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का ये दिख रहा है। ये बहुत ही इजी है बनाना। ये कोई भी स्किन वाले लगा सकते हैं, जैसे ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, ये कोई भी लगा सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि इसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और जिसके रिंकल्स हो गए हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, ये 5 लाइन्स पर गए हैं, तो इससे लगाने से वो दूर हो सकता है। इसे हम अपने हाथों पे आपको लगा के दिखा रही, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लग जाता है। ये देखिए, लगाने के बाद ये बहुत ही शाइन कर रहा है, बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो चुका है। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं। आप इसे फ्रेश होने के बाद सुबह में आप इसे लगा लीजिए, और रात में फेस वॉश करने के बाद इसे लगा के आप सो जाइए, तो आपका स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, किस किस ने ये वीडियो को देख के इसे बनाया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और आपको क्या इसमें फ़ायदा बुझाया है वो भी हमको आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके ही लाइक और शेयर से और सब्सक्राइब से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।